अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मास्टर कंट्रोल फेज फेलियर अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले के बारे में। तो दोस्त, इस रिले को सिंगल स्टार्टर वाली मोटर या स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली मोटर पैनल में मेन मास्टर कंट्रोल रिले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारी मोटर तीन फेज पर जा रही है, पीछे से एक फेज डेड होगा तो ये फाइव सर्किट को कट ऑफ करवाएगी, या पीछे से फेज चेंज होगा तो भी ये सर्किट को कट ऑफ करवाएगी। हमारे सेट पॉइंट से वोल्टेज 390 से कम होंगे तो भी ये सर्किट को कट ऑफ करवाएगी, और हमारे सेट पॉइंट 435 से वोल्टेज ओवर होंगे तो भी सर्किट को फौरी तौर पर कट ऑफ करवा देगी। प्रैक्टिकल से पहले आते हैं डायग्राम की तरफ। रेड येलो ब्लू तीनों फेज रिले को आ रहे हैं और तीनों फेज स्टार्टर को आ रहे हैं। रिले की सप्लाई ऑफ होने की सूरत में, यानी सप्लाई बिल्कुल जब सर्किट की डेड होगी तो 11 और 12 क्लोज होंगे, और जब रिले की सप्लाई ऑन होगी यानी पीछे से ब्रेकर हम ऑन करेंगे जब कोई फॉल्ट नहीं होगा तो 11 और 14 क्लोज होंगे, और फेज हमारा इधर से इसके क्लोज पॉइंट से होता हुआ ऑफ पॉइंट के क्लोज होता हुआ इधर आ जाएगा। यूं ही ऑन प्रेस करेंगे, कॉइल एनर्जाइज होगी, ये पॉइंट हमारा क्लोज हो जाएगा स्टार्टर का, और स्टार्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा, मोटर चल पड़ेगी। ठीक है, और फॉल्ट आने की सूरत में क्या होगा, जब पीछे से फेज डेड होगा या फेज उल्ट होगा या अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज वोल्टेज हाई लो होंगे, फॉल्ट आने की सूरत में ये 11-14 ओपन हो जाएंगे, हमारा स्टार्टर जो है वो ओपन हो जाएगा। इस सूरत में मोटर फ्लैश होने से बच जाएगी, और फॉल्ट की सूरत में ये लाइट चल पड़ेगी। ये रिले के पॉइंट ये हुए हैं, जब सप्लाई ऑफ होगी या फॉल्ट होगा तो 11 और 12 क्लोज होंगे, ये अलार्म वाले क्लोज होंगे, और जब रिले की सप्लाई ऑन होगी कोई फॉल्ट नहीं होगा, इस सूरत में 11 और 14 स्टार्टर वाले पॉइंट जो हैं ये क्लोज हो गए, इस वक्त हमारा सर्किट नॉर्मली हालत में होगा। तो दोस्त, अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हमारी रिले की सप्लाई इस वक्त ऑफ है, यही हम रिले की सप्लाई ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं रेड येलो ब्लू तीनों फेज आ रहे हैं, कोई फेज डेड नहीं है, इस वक्त कोई फॉल्ट नहीं है। यही हम स्टार्टर क्लोज करेंगे, स्टार्टर क्लोज हो गया, इस वक्त कोई फॉल्ट नहीं है। और यूं ही हम पीछे से फेज डेड करेंगे, रिले पूरे सर्किट को कट ऑफ करवा देंगे। अभी फेज लाइन को डेड करते हैं, दोस्त आप देख सकते हैं यही हमने लाइन टू को डेड किया, फेज को डेड किया, तो रिले ने सर्किट को कट ऑफ करवा दिया। इस सूरत में हमारा स्टार्टर जो है वो क्लोज नहीं होगा, हमारी मोटर नहीं चलेगी जब तक हम फॉल्ट क्लियर नहीं करेंगे। तो अभी फेज को दोबारा लगाते हैं, आप देख सकते हैं दोस्त यूं ही हमने फेज को दोबारा लगाया, रिले हमारी नॉर्मली हालत में आ गई है। इस वक्त स्टार्टर को क्लोज करेंगे तो हो जाएगा। हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज आएंगे तो भी ये सर्किट को ऑफ करवाएगी, और हाई वोल्टेज की सूरत में भी सर्किट को ऑफ करवाएगी। अभी फेज को उलटाते हैं, आप देख सकते हैं स्टार्टर क्लोज हो रहा है, ये रिले ऑन है, और यूं ही हम फेज को उल्ट करेंगे यानी फेज को चेंज करेंगे तो ये रिले फॉल्ट पॉइंट देगी। फेज को चेंज करते हैं, ये को ऑफ किया, तो आप देख सकते हैं फेज को हमने चेंज किया, और यूं ही रिले की सप्लाई ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं ये ऑफ पॉइंट दे रही है, यानी फेज चेंज है। फेज चेंज होने की सूरत में भी स्टार्टर क्लोज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ओपन हैं, ये पॉइंट ओपन है। फेज को हम दोबारा सही करेंगे तो नॉर्मली हालत में आ जाएगी। सप्लाई को बंद किया, दोस्त फेज को हमने दोबारा ठीक किया है, यूं ही हम रिले की सप्लाई ऑन करेंगे, रिले की सप्लाई दोबारा नॉर्मली हाथ में आ गई है। इस वक्त स्टार्टर क्लोज हो सकता है, देख सकते हैं स्टार्टर क्लोज हो गया,
तो दोस्तों अभी आपको इसके बारे के बारे में समझाएंगे। रेड येलो ब्लू तीनों फेज हमने स्टार्टर को दिए, स्टार्टर से हमने रिले को दिए, और जो न्यूट्रल है वो स्टार्टर को की कॉइल को और रिले को दे दी। ये इसका रिले का न्यूट्रल पॉइंट है, और रिले से ब्लू फेज से फेज निकाल कर न्यूट्रल के लाइन को दिया, और लाइन से रिले के एग्जल्टेड पॉइंट जो हैं 11 नंबर पे हमने दिया कॉमन पॉइंट पे। 11 और 14 रिले ऑन होने की सूरत में क्लोज होते हैं, इसलिए 14 नंबर से हमने पॉइंट निकाला फेज और पुश बटन के ऑफ साइड पे दिया। देख सकते हैं पुश बटन के ऑफ साइड पे लूप डालकर ऑन पुश पे दिया, फिर ऑन पुश से हमने डायरेक्ट अब देख सकते हैं स्टार्टर की कॉइल को दिया, ऑफ साइड से हमने ओपन पॉइंट के जरिए देख सकते हैं ओपन पॉइंट के जरिए फेज दिया कॉइल को। ये लाइट की न्यूट्रल है, ठीक है। मैंने स्टार्टर के दो स्टाफ दे सकते हैं, मैंने स्टार्टर के 13 और 14 ओपन पॉइंट हैं, ये आप दे सकते हैं ये दोनों ओपन पॉइंट हैं, और 11 और 12 21 और 22 ये क्लोज पॉइंट हैं। 13 और 14 ओपन, 21 और 22 क्लोज। यही फेज डेड होगा, फेज डेड करके दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं अभी आपको अपडेट करके दिखाते हैं। प्ले ऑन किया, देखते हैं स्टार्टर क्लोज हो रहा है। स्टार्टर क्लोज किया, अभी फेज डेड करके दिखाते हैं आपको। ये हम फेज डेड करेंगे तो आपका स्टार्टर जो है वो ओपन हो गया, इससे कट ऑफ हो गया। हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।